हेलो हाउ आर यू मैम इज अगेन बैक विद द हिंदी सब्जेक्ट. ओके तो बच्चों हमने ऑलरेडी हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं. आज हम जो करेंगे वो है जोड़ी बनाओ. जोड़ी बनाओ भी हमने ऑलरेडी बहुत स्टार्टिंग में रिवाइज किया था. ठीक है तो आज हम रिवाइज करेंगे दोबारा से एक बार और. ओके तो उसके पहले हम क्या करते हैं, उसके पहले हम हमारे कॉपी में डेट लिखते हैं 8.10.20 और इसके बाद जोड़ी बनाओ ऐसा लिखना है आपको. अब देखो मैम ने सेम लिखा है, इस तरफ भी वैसी लिखा है, इस तरफ भी वैसी लिखा है, लेकिन मैम ने इसे अल्टरनेट किया है. राइट तो अब हमें देखना है, पहले यहाँ देखो ए एडी का. अब आपको देखना है ये लाइन में ए एडी का कहाँ है. यस अब चलो शुरू करेंगे हम, तो आप लोग बताना कि कहाँ है. ओके तो ए एडी का इस लाइन में कहाँ है, ये है. वेरी गुड. सो ए एडी का हम ए एडी से ज्वाइन कर देंगे. ओके अब ए एनक का, ए एनक का यहाँ है, इस लाइन में कहाँ है, टॉप में फर्स्ट नंबर में है. तो हम क्या करेंगे, ए एनक से ए एनक को ज्वाइन करेंगे. ओके अब ये क्या है, ओ ओखली का. वेरी गुड. ओ ओखली का अब आपको यहाँ देखना है, यहाँ देखो कहाँ है ओ ओखली का, ओ ओखली का. यस तो हम क्या करेंगे, ओ ओखली से ओ ओखली को मैच करेंगे. ओके अब ओ ओ औरत का. वेरी गुड. सो यहाँ पे देखो ओ औरत का है ये लाइन में, यहाँ पे है. ठीक है तो हम यहाँ से इसे यहाँ मैच करेंगे. ओके अब उसके बाद अंगूर का. ठीक है अब यहाँ देखो कहाँ दिया है, अंग अंगूर का है ना, तो अंग अंगूर से हम अंग अंगूर को मैच करेंगे. और आहा से कुछ होता है नहीं, आहा से कुछ होता है नहीं, तो हम इसे यू मैच कर देंगे. ओके सो चिल्ड्रन देखो हमने ए एडी से लेके आहा तक के हमने किस तरीके से इसे मैच किया है. राइट तो इसी तरीके से आपको जोड़ियां बनानी है और उसके बाद इस तरीके से वर्क कंप्लीट करके मैम के पास सेंड करना है ना. शॉर्ट एंड स्वीट एंड छोटा सा हमारा वर्क है कि नहीं, रिवीजन वाला. तो जल्दी से कंप्लीट करो, मैम के पास सेंड करो. ओके सो अंटिल देन बाय बाय.